हाँ दोस्तों, कैसे हैं? आज 8 तारीख है, मंगलवार है, दशहरा है। हैप्पी दशहरा आप लोग सबको। और आज एक शेयर लेके आया था, वो था अदानी ग्रीन एनर्जी। ये देखेंगे तो अपने 52 वीक हाई के आसपास ही चल रहा है, 68.70 के आसपास चल रहा है। 73 का ये प्रीवियस हाई एक बार बनाया हुआ है। अगर ये किसी भी तरह आपको 75 क्रॉस करता हुआ दिखता है और वहाँ पर थोड़ा भी वॉल्यूम होता है, अगर एक तो हो सकता है कि सिंपल एक स्लिप बना के जाए, लकीर खींच के जाए और वहां से फिर नीचे ले ले। मुझे लग रहा है जो आप वहां पे शॉर्ट कीजिए 54 का टारगेट रहेगा। और अगर वहां स्टे करता है एक दिन भी, स्ट्रांग पोजीशन बनाता है, वॉल्यूम रहता है, तो आपको 90 तक का भाव देखने को मिलेगा। प्रीवियस भी और अभी रिसेंटली FII ने इसमें जून में 10% अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज की है और वहां पर बढ़ाई है। इसका कॉन्स्टेंसी पे कि इसका जो गिरवी रखा हुआ शेयर है वो ज़्यादा है, 47 है। 45 था, उसको बढ़ा के भी 47 किया गया है। इस सब मैं आपको डाटा में दिखाऊंगा। सिर्फ अदानी ग्रीन एनर्जी एक अच्छी कंपनी है और बिजनेस ऑफ ऑन ऑपरेट्स पावर प्लांट्स, पावर बाय रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एंड विंड। आप देखेंगे 10,643 करोड़ की कंपनी है और रिटर्न इक्विटी निगेटिव है, कैपिटल एम्प्लॉयड 4.63 है, 11,142 करोड़ का डेप्ट है। गिरवी जो रखा हुआ है अभी प्रोमोटर होल्डिंग 74 है, इसको अपडेटेड भी देख लेते हैं। यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग जो है अभी आपका 74.92 है। इन्होंने एक्चुअली यहाँ से रिड्यूस किया 11% और FII ने उसको बाई किया है। गिरवी जो रखा हुआ है 47, इनफैक्ट म्यूचुअल होल्डिंग ने भी नंबर ऑफ शेयर को बढ़ाया है, 52 ही है बट होल्डिंग 20%। इसको म्यूचुअल फंड ने थोड़ा सा अपने को इंक्रीज किया हुआ है। प्लीज जो है 47% है, ये बढ़ा है थोड़ा सा, 45 था, 45 से अभी 47 हुआ है। इसके पहले 45.76 था, अभी 47, 2% अभी बढ़ा है। और DII की होल्डिंग घटी है थोड़ा सा बट FII की होल्डिंग जो है वो बढ़ी है। आप देखेंगे जहाँ 10.26 था वहाँ 20.36 हो गया। तो पॉजिटिव तो ये कि FII ने इसमें बाई किया है तो कुछ देख के ही बाई किया होगा और जून क्वार्टर में हुआ है, पॉजिटिव है। और अगर डिलीवरी की बात करें तो जहाँ इसमें 2 लाख 3 लाख 4 लाख शेयर की डिलीवरी हो रही थी, अभी आप देखोगे तो 13 लाख 23 लाख 21 लाख 15 लाख 6 लाख 17 लाख ट्रेडिंग भी जो हो रही है, वॉल्यूम में भी जो हो रही है 29 करोड़ 40 करोड़ 19 करोड़ ऐसा हो रहा है। और जो डिलीवरी परसेंटेज है वो है 34%, 41%, 39%, 33%। अगर मैं इसके वॉल्यूम वेटेड एवरेज की बात बोलूं तो यहाँ पे भी आपको ये पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा। आप देखेंगे जहाँ इसको इसकी क्लोजिंग 66 पे होनी चाहिए थी वॉल्यूम वेटेड एवरेज, वहाँ 68 पे जाके क्लोज कर रहा है, यहाँ पे भी एक पॉजिटिविटी है। प्रॉब्लम यह है कि प्रीवियस भी जो हाई ये बनाया था तो प्रीवियस हाई भी जो क्लोज किया था ये लगभग जाकर के यहाँ पे 73.30 पे किया था और यहीं से इसने फिर फॉल लिया था। तो अगर ये इसको क्रॉस करता है, इसलिए मैंने आपको 74-75 बोला, अगर ये क्रॉस करता है तो आपको अच्छा देखे जाएगा ये और 90 के पहले रुकेगा। और अगर वहाँ से गिरता है तो वापस आपको 54 की ओर आते हुए दिखेगा। दोनों में से एक ऑप्शन है। और जब तक इसके गिर अब यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉकिस RSI जो दिखा रहा है 68 दिखा रहा है, RSI अब 76 हो गया, ओवरबॉट में जा चुका है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे आप वॉच रखिए इस पर। अगर ये 75 क्रॉस करता है, कांस्टेंट रहता है तो 90, और नहीं तो फिर शॉर्ट करने के लिए 54 की ओर ये आपको अदानी ग्रीन आते हुए समय में आपको दिखा सकता है। तो अदानी ग्रीन एक अच्छा सेंटीमेंट है, बाइंग 43 है, सेलिंग 57 है, ये भी न्यूट्रल है। और मार्केट तो गिर रहा है लेकिन आप कंटिन्यूस देखेंगे तो ये कुछ नहीं हो रहा है। ये पहले यहाँ खड़ा था, यहाँ खड़ा रह रहा है ये 26 तारीख से और यहाँ कॉन्स्टेंट ये ऊपर की ओर जा रहा है। तो और वॉल्यूम वेटेड एवरेज वॉल्यूम भी देखेंगे तो एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम हो रहा है। लेकिन तकलीफ सिर्फ ये है FII ने भी यहाँ 10% से होल्डिंग बढ़ाई है। तकलीफ सिर्फ इतनी है कि एक गिरवी रखा हुआ है और दूसरा 74 का जो हाई है इसका प्रीवियस का वो कहीं वापस आपको तोड़ते हुए दिख सकता है। इसलिए हमें वहाँ पे एक कांस्टेंट वॉच रखना पड़ेगा 73.30 का
और अगर वो उसको तोड़ता है तो वापस नीचे जा सकता है। तो आप दोनों अदानी ग्रीन पे एक वॉच लिस्ट रखें, हो सकता है ये 54 की ओर भी आए, हो सकता है ये 90 की ओर जाए, तो आपको दोनों चीज़ पे ध्यान देना है। 75 क्रॉस करके स्टे करता है तो 90, और अगर उसको तोड़ता है तो वहाँ से आपको पहला भी कैंडल अगर बनता है, अगर शॉर्ट कैंडल बनता है इसका, थोड़ा भी अगर आपको या हैमर डाउन हैमर भी बनता है तो फिर आपको यहाँ पे आते हुए दिखेगा वो 54 की ओर। तो अदानी ग्रीन पे वॉच लिस्ट रखें, आइदर 54 और 90 ये जाने को तैयार है। आपको फिर से बोलो, अगर ये गिरता है तो जो रेड का कैंडल बनेगा इसके बाद 74 के नियरेस्ट कैंडल बनेगा, अगर वहाँ पे 68-69 डाउन वापस आता है तो आपको वहाँ से सिग्नल लोअर कर लेना जो कि 54 तक जा सकता है, और अगर आप जाता है तो वहाँ अगर ये 75 क्रॉस करके सस्टेन करता है ये 90 की ओर जा सकता है। अदानी ग्रीन में अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। FI होल्डिंग भी आप खुद देखिए, FI होल्डिंग ने बढ़ाया है 10-20% किया है, सिर्फ प्रॉब्लम इसका यह है कि ये 47% के साथ ये अपनी गिरवी जो प्लीज रखी हुई शेयर वो ज़्यादा है। म्यूचुअल फंड ने भी परसेंटेज ऑफ शेयर में बढ़ाया है, बाई किया है, हो सकता है ये फॉल किया तो उसको बाई किया है। तो अदानी ग्रीन पे वॉच लिस्ट रखिए, मेरा कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, आपको जो भी बाई सेल करना हो अपने फाइनेंस एडवाइजर से जान के फिर बात करेंगे, बाय करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत